हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है ओड टू ऑटम, एंड दिस इज़ द सेकंड चैप्टर ऑफ न्यू एस्टर क्लास 8 एडवांस बुक। इससे पहले बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाइए विजिट करिए प्लेलिस्ट को, आपको वहाँ पर बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। एंड वन मोर थिंग, आई विल कवर द होल बुक, तो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज आपको यहाँ पर रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। Now I am uploading video sequentially, तो अगर आपको पहले से कोई चैप्टर समझना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर पहले ही कोई वीडियो अपडेट कर दूँगी। तो चलिए बिना कोई देरी किए हम इस पोएम को अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं। एंड वन मोर थिंग, इसका टाइटल है ओड टू ऑटम। आपने अभी तक जितनी भी पोएम्स पढ़े होंगे उसमें आपने देखा होगा कि स्प्रिंग सीजन की बहुत तारीफ होती है, पोएट्स स्प्रिंग सीजन के ऊपर पोएम लिखते हैं एंड डिफरेंट सीजन्स के ऊपर पोएम लिखते हैं, लेकिन कोई भी राइटर जनरली ऑटम सीजन के ऊपर पोएम लिखता हुआ आपको नहीं मिलेगा, बट यहाँ पर जॉन किट्स ने ऑटम सीजन के ऊपर पोएम लिखा है। तो चलिए हम इस पोएम को पढ़ते हैं, और इसका टाइटल है ओड टू ऑटम, एंड ओड जनरली मीन्स स्त्रोत, या फिर हम इसे गीति काव्य भी बोल सकते हैं। इट इज़ लाइक अ पोएटिक लैंग्वेज फॉर द ऑटम सीजन। ओके, तो चलिए हम ऑटम सीजन के बारे में इस पोएम को शुरू करते हैं। रीड अ पोएम अबाउट ऑटम सीजन, तो चलिए हम ऑटम सीजन के बारे में ये पोएम पढ़ना शुरू करते हैं। सीजन्स ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, क्लोज बॉजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन। देखिए, सीजन ऑफ मिस्ट क्या होता है? फॉग। ओके, मिस्ट मीन्स होता है फॉग, एंड फॉग का जो सीजन है वो कौन सा है? ऑटम है। एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, फ्रूटफुलनेस मीन्स जब सारे फ्रूट्स जो है ना अपने पीक पर रहते हैं, तो सीजन ऑफ मिस्ट जो कि ऑटम हुआ वो क्लोज बॉजम फ्रेंड है, किसका है? सन का। और सन को यहाँ पर क्या बोला गया है? मैच्योरिंग बोला गया है। हर एक फ्रेज को हम अच्छे से समझेंगे, पहले आप इसे समझिए। क्लोज बॉजम फ्रेंड, बॉजम फ्रेंड मीन्स क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं एक दूसरे के, उन्हें बॉजम फ्रेंड बोला जाता है। तो सीजन ऑफ मिस्ट इट मीन्स ऑटम, और जो सन है वो एक दूसरे के क्लोज बॉजम फ्रेंड है। यहाँ पर सन को मैच्योरिंग क्यों कहा गया है? बिकॉज सन हेल्प करता है जितने भी फ्रूट्स होते हैं, जो फ्लावर्स होते हैं, उनको पूरी तरीके से ब्लूम होने में, उनको राइप करने में। Conspiring with him how to load and bless with fruits the vines that round the thatch eaves run. देखिए, ये जो सीजन ऑफ मिस्ट इट मीन्स ऑटम सीजन और सन है ना, एक दूसरे के साथ कंस्पायर करते हैं। कंस्पायर मीन्स क्या होता है? प्लॉटिंग करना, षड्यंत्र रचते हैं दैट कैसे जो फ्रूट्स हैं एंड जो वाइन्स हैं, वाइन्स मीन्स क्या होता है? लता, उनको कैसे पूरी तरीके से लोड किया जाए, कैसे ब्लेस किया जाए, दैट राउंड द थैच इफ्स रन। थैच इफ्स क्या होता है? थैच इफ्स मीन्स जो घास फूस की जो झोपड़ी वगैरह जो बनाई जाती है उसको थैच इफ्स भी बोलते हैं। इफ्स मीन्स क्या हो गया? यहाँ पर रूफ हो गया। तो वो वाइन्स, वो सारी फ्रूट्स जो कि इस थैच इफ्स के चारों तरफ राउंड में घूमी हुई है, उसके लिए सीजन ऑफ मिस्ट इट मीन्स ऑटम और सन दोनों कंस्पायर करते हैं कि इसे कैसे पूरी तरीके से ब्लेस किया जाए और कैसे इसे फ्रूट से पूरा भर दिया जाए। टू बेंड विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्रीज एंड फिल ऑल फ्रूट्स विथ राइपन्स टू द कोर। बेंड मीन्स क्या होता है? झुकना। तो देखो, ये जो कॉटेज ट्रीज के पास जो भी वाइन्स वगैरह है उनको कैसे पूरी तरीके से एप्पल्स के साथ पूरा लोड कर दिया जाए, बेंड कर दिया जाए, एंड फिल ऑल फ्रूट विथ राइपन्स टू द कोर, और जितने भी फ्रूट्स हैं ना उनको उनके कोर तक, कोर मीन्स क्या होता है? मान लीजिए फ्रूट है तो इसके एकदम भीतर वाला जो पार्ट है ना, यहाँ तक उसको कैसे पूरा पकाया जाए, कैसे उसको राइप कर दिया जाए, ये प्लॉटिंग करते हैं सूरज और ऑटम सीजन। टू स्वेल द गर्ड एंड प्लम द हेजल सेल्स, गर्ड मीन्स क्या होता है? लौकी। स्वेल मीन्स क्या होता है? फुलाना। यहाँ पे स्वेल मीन्स क्या हो जाएगा? जैसे लाइक पूरा राइपन कर देना, उसको पूरा पका देना। एंड प्लम्प द हेजल सेल, हेजल सेल क्या होता है? एक खाने का एक शेल है, तो कैसे उसको भी पूरी तरीके से प्लपी किया जाए, ये यहाँ पर प्लानिंग चल रही है। विथ अ स्वीट कार्नेल टू सेट बडिंग मोर and still more later flowers for the bees until they think warm days will never cease।
अब देखिए यहाँ पर और क्या प्लानिंग चल रही है, दैट ये जो सेल है इसको भी कैसे स्वीट किया जाए. कार्नल मीन्स क्या होता है, एडिबल पार्ट होता है फ्रूट का, तो उसको कैसे स्वीट किया जाए पूरे कोर तक. और जो बडिंग है, बडिंग मीन्स क्या होता है, फ्लावर्स के जो बर्ड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा खिलाए जाए, इतने ज़्यादा बर्ड्स लाइक खिलाए जाए दैट लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, जो कि फ्लावर्स के लिए जो ये बीज है उनके लिए फ्लावर्स की कमी नहीं हो. अनटिल दे थिंक वार्म डेज विल नेवर सीज, और बीज को ऐसा लगना चाहिए कि ये जो वार्म डेज है ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, ये कंटिन्यू चलते ही रहेंगे. बिकॉज बीज क्या करती है, जब फ्लावर्स में नेक्टर वगैरह प्रॉपर होते हैं, जब हनी होते हैं, तब वो ऑलवेज आती है, बिजी रहती है, और उस समय बीज बहुत ज़्यादा हैप्पी रहती है. तो यहाँ पर भी यही बोला गया है कि इतने ज़्यादा फ्लावर्स को बड करना, इट मीन्स इतनी ज़्यादा कली खिलानी है कि बीज को कभी भी ये ना लगे कि उनके लिए फ्लावर्स कभी भी ख़त्म हो जाएंगे और ये वार्म डेज जो है कभी ख़त्म हो जाएंगे. अनटिल दे थिंक वार्म डेज विल नेवर सीज फॉर समर हैज़ ओवर ब्रिम्ड देयर क्लैमी सेल्स. समर मीन्स क्या होता है, देखिए गर्मी का टाइम. ओवर ब्रिम्ड मीन्स होता है ओवरलोडेड, हद से ज़्यादा लोड कर देना. तो उनके जो सेल्स है, किनके सेल्स है, बीज के जो सेल्स है उसको क्लैमी कर देना. क्लैमी मीन्स क्या होता है, समथिंग स्टिकी. तो इनके मधुमक्खी के छाते में जो मधु रहता है वो इतना ज़्यादा ओवरलोड कर देना है कि इनका जो सेल है वो पूरी तरीके से क्लैमी हो जाए, पूरा चिपचिपा हो जाए. आई होप आपको यहाँ तक पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा. अगर आपको पोयम अच्छी लग रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए. एंड चलिए हम मूव करते हैं सेकेंड स्टैंजा की तरफ. फर्स्ट पैरा में हमने देखा दैट सीजन को एक कंस्पायरेटर के जैसे, जो एक षड्यंत्र रचता है, उस तरीके से उसे डिपिक्ट किया गया. अब हम सेकेंड पैरा पढ़ेंगे और इसे अच्छे समझेंगे. हु हैथ नॉट सीन दी ऑफ एमिड दाय स्टोर. अब यहाँ पर हैथ मीन्स क्या होता है, ये हो गया हैज़. ओके, ये पुरानी पोएटिक लैंग्वेज है. हु हैज़ नॉट सीन दी, दी मीन्स होता है यू, तो तुम्हें किसने नहीं देखा है. एमिड दाय स्टोर, दाय मीन्स योर्स. तो स्टोर मीन्स क्या होता है, जो फूड ग्रेन के स्टोर्स वगैरह जो होते हैं, जहाँ पर फूड को, ग्रेन को रखा जाता है, उसे स्टोर बोला गया है. अब हम देखेंगे दैट ऑटम सीजन को एक ह्यूमन बीइंग के जैसे यहाँ पर ट्रीट किया गया है. और जैसे हम किसी ह्यूमन बीइंग को कहीं पर देखते हैं वैसे ही बोला जा रहा है कि ऑटम सीजन को किसने नहीं देखा है अक्सर फूड ग्रेन्स के स्टोर में. समटाइम्स हु एवर सीक्स एब्रॉड मे फाइंड दी सिटिंग केयरलेस ऑन अ ग्रेनरी फ्लोर. और कोई भी एक पर्सन जो कि तुम्हें खोजता है, किसे खोजता है, ऑटम सीजन को, जो बाहर तुम्हें तलाशने की कोशिश करता है, उसे तुम मिल सकते हो. कहाँ मिल सकते हो, सिटिंग केयरलेस ऑन अ ग्रेनरी फ्लोर. तुम कहाँ पर मिलोगे केयरलेस तरीके से बैठे हुए, ग्रेनरी फ्लोर पर. ग्रेनरी मीन्स जो फूड के जो फ्लोर होते हैं, जहाँ पर बहुत सारा क्रॉप्स वगैरह रखा जाता है, धान रखा जाता है, उसे ग्रेनरी फ्लोर बोला जा रहा है. तो अब आप एक ये चीज़ समझिए कि जब हम इन लाइन्स को पढ़ते हैं, एट द सेम टाइम वी हैड अ क्लियर कंसेप्शन और इमेजिनेशन दैट देयर इज अ वुमेन हु इज सिटिंग ऑन द ग्रेनरी फ्लोर. ओके, दाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाई द विनोविंग विंड. दाई हेयर, हेयर यहाँ पर बोला गया है दैट ऑटम सीजन के जो हेयर होते हैं. तो यहाँ पर ऑटम सीजन के हेयर क्या है, जो धान जो है, धान के जो लाइक जो घास फूस जो होते हैं, जो उनके छिलके होते हैं, तो उन वो ना यहाँ पर हेयर का जैसे डिपिक्ट किए गए हैं. और ऐसा बोला जा रहा है कि ऑटम सीजन के जो हेयर है ना, वो ऑलवेज लिफ्ट होते हैं. लिफ्ट होते हैं मतलब उड़ते हैं. किसके थ्रू उड़ते हैं, विनोविंग विंड के थ्रू. व्हाट इज़ विनोविंग, विनोविंग मीन्स इज लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग एयर दैट इज़ कैपेबल टू ब्लो आउट, जो कि किसी भी चीज़ को उड़ाने में सामर्थ्य रखता है. एंड और ऑन अ हाफ रिब्ड फरो साउंड एस्लिप. और या तो तुमको कहाँ देखा जा सकता है, जहाँ पर हाफ रिब्ड फरो साउंड एस्लिप, जहाँ पर कुछ गड्ढा टाइप का किया हुआ है. फरो मीन्स क्या होता है, डीप ग्राउंड, जहाँ पर हाफ रिब्ड है, जो कुछ धान वगैरह है जो आधे पके हुए हैं, वहाँ पर भी तुम अच्छे खासे नींद में सोते हुए मिल सकती हो. ड्राउज्ड विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज वाइल दाई हुक स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वाथ एंड ऑल इट्स ट्वाइंड फ्लावर्स. देखिए अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि तुम वहाँ पर उस फरो में कैसे सोई हुई मिलती हो, ड्राउज्ड मिलती हो. ड्राउज्ड मीन्स क्या होता है, लाइक स्पेल बाउंड फील करना, जब हम अपने आपे में नहीं रहते हैं. तो किस चीज़ से तुम अपने आपे में नहीं रहती हो,
ये जो पॉपीज के जो फ्रेग्रेंस आते हैं, फ्यूम मीन्स क्या होता है फ्रेग्रेंस, एंड पॉपीज मीन्स होता है एक टाइप का फ्लावर है, तो इस फ्लावर में से जो खुशबू आती है उससे तुम पूरी तरीके से मंत्रमुग्ध हो जाती हो, और तुम यहाँ पर फरोज में हाफ एस्लीप सिचुएशन में मिलती हो. Spares the next swath and all its twined flowers, and sometimes like a gleaner thou dost keep steady thy laden head across a brook. अब देखिए यहाँ पर ये imagery बताई गई है that जब कभी भी flowers, जब कभी भी धान वगैरह की कटाई का time आता है, swath means क्या होता है, जब जब किसी भी धान वगैरह को एकदम line से sequence में रखा जाता है, तो उस समय जो flowers होते हैं ट्वाइंट फ्लावर्स उनको छोड़ दिया जाता है, उनकी कटाई नहीं होती है. जो धान वगैरह होते हैं उनकी कटाई हो जाती है. और कभी कभी तुम्हें ऑटम सीजन को ऐसे भी देखा जा सकता है मानो जैसे तुम कोई ग्लीनर हो. ग्लीनर मीन्स क्या होता है, जो मेड सर्वेंट जो होती है, जो गांव खेत वगैरह में जो काम करती है, जिनके सर पर बहुत सारा बोझ रखा रहता है, तो वैसे ही तुमको भी देखा जा सकता है और ऐसा लगता है मानो जैसे तुम बोझ को उठाकर किसी ब्रुक को, किसी रिवर के तरफ, रिवर के तरफ तुम आगे चल रही हो. और बाई अ साइडर प्रेस विथ पेशेंस लुक. साइडर प्रेस क्या होता है, साइडर प्रेस मीन्स होता है जो जूस वगैरह की जो मशीन टाइप, जो उसे साइडर प्रेस बोला जाता है. तो कभी कभी तुम्हें साइडर प्रेस के आसपास भी देखा जा सकता है विथ पेशेंस लुक, और तुम वहाँ पर बहुत ही धीरज के साथ एक एक ऊजिंग जो ड्रॉपलेट्स होते हैं तुम उसको आवर बाई आवर बहुत धीरज के साथ देखती हो. ओके, ये था हमारा सेकंड पैरा. आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा. अब लास्ट पैरा बचा है, चलिए इसे भी समझ लेते हैं. वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ द स्प्रिंग, ए वेयर आर दे. देखिए हमने शुरू में ही डिस्कस किया कि जितने भी पोएट्स वगैरह रहते हैं वो ऑटम सीजन के ऊपर जनरली नहीं लिखते हैं कुछ भी, कोई पोएम. बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जॉन किट्स ने ऑटम सीजन के ऊपर लिखा है. तो अब देखिए यहाँ पर ये ऑटम सीजन से क्वेश्चन करते हैं दैट वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग. तो स्प्रिंग का जो सॉन्ग है वो कहाँ है, ए वेयर आर दे, कहाँ है वो, थिंक नॉट ऑफ देम. तो उसके बाद ऑटम सीजन को ये बोला जा रहा है कि तुम स्प्रिंग सीजन के बारे में मत सोचो, उसके जो सॉन्ग्स होते हैं अब उसके बारे में मत सोचो. दाउ हैश दाई म्यूजिक टू, बिकॉज तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का म्यूजिक है. वाइल बार्ड क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे एंड टच द स्टबल प्लेन्स विथ रोजी ह्यू. अब देखिए यहाँ पे बहुत ही सुंदर डिस्क्रिप्शन है, हमें इसको अच्छे से समझने की कोशिश कर दी. बार्ड मीन्स क्या होता है, ब्लॉक्ड. तो जब क्लाउड्स जो रहते हैं ना, जो वो ब्लॉक से थोड़े से जब निकलते हैं, ठीक है, जब वो रास्ता देते हैं थोड़ा सा, तो ये जो सॉफ्ट डाइंग डे, ऐसा दिन जो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था, उसमें से जब बादल हटते हैं और उसके बाद जो रोशनी आती है और वो जब प्लेन्स पर पड़ती है, प्लेन मीन्स क्या होता है, मैदान पर पड़ती है, तब वो एक तरीके का रोजी कलर देती है. ह्यू मीन्स क्या होता है, कलर. तो वहाँ पर एक रोजी कलर आता है. देन इन अ वेलफुल कॉयर द स्मॉल नेट्स मॉर्न. वेलफुल मीन्स क्या होता है, मॉर्नफुल. मॉर्नफुल मीन्स लाइक जो बहुत विलाप करते हुए, किसी चीज़ के रोने की जो आवाज़ टाइप की होती है उसे वेलफुल भी बोलते हैं. सोरोफुल एग्जैक्टली इसका वर्ड होगा. तो वहाँ पर जो नेट्स होते हैं, जो स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, मॉर्निंग करते हैं. मॉर्निंग मीन्स लाइक जो विलाप की जो आवाज़ होती है, जो आवाज़ बहुत प्लीजिंग नहीं होती है. तो यहाँ पर ऑटम सीजन को ये बोला जा रहा है कि तुम्हारा यही म्यूज़िक है. यू नो दीज आर द एलिमेंट्स विच आर कंस्टिट्यूटिंग द म्यूज़िक ऑफ द ऑटम सीजन. Among the river shallows born afloft or sinking as the light wind lives or dies. Among the river shallows. अब river का जो shallow water जो रहता है, जो छिछला पानी रहता है, वहाँ पर जब light जब आती है और जब हवा जब आती है, तो ये जो आवाज़ है ना, ये कभी बहुत बढ़ जाती है और कभी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है. And full grown lambs loud bleat from hilly pond. और वहाँ पर जो full बॉर्न लैम्स है, जो फुल ग्रोन है, ऐसे लैम्स, ऐसे भेड़ वगैरह जो अब एडल्ट हो चुके हैं, जो बच्चे नहीं हैं, और उनकी जब ब्लीटिंग की आवाज़ आती है, ब्लीटिंग मीन्स क्या होता है, उनके जो मिमियाने का जो साउंड होता है, ये सारे चीज़ तुम्हारे लिए म्यूज़िक कंस्ट्रक्ट करते हैं. यही तुम्हारा म्यूज़िक है. हैच क्रिकेट सिंग एंड नाउ विथ टेरिबल सॉफ्ट द रेड ब्रेस्ट विशल
हैच क्रिकेट सिंह एंड नाउ विथ ट्रिबल सॉफ्ट द रेड ब्रेस्ट विसल फ्रॉम अ गार्डन क्रॉफ्ट एंड गैदरिंग सैलोस ट्विटर इन द स्काइज। अब देखिए और क्या बोला जा रहा है, ये जो हैच क्रिकेट्स जो होते हैं, क्रिकेट भी क्या एक तरीके का इंसेक्ट है, जब वो गाना गाता है और जब उससे एक टेरिबल सॉफ्ट एक अजीब सी एक आवाज़ आती है और रेड ब्रेस्ट विसल, रेड ब्रेस्ट विसल किसके लिए आया है, एक टाइप की बर्ड जो होती है, जब उसके विसलिंग की साउंड आती है कहाँ पर, गार्डन क्रॉफ्ट पर। गार्डन क्रॉफ्ट इज़ अ टाइप ऑफ लाइक गार्डन किचन, ऐसा एरिया जिसको किचन के रूप में यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पर भी जब बहुत सारे सैलोज जब गैदर करते हैं, गैदर मीन्स क्या होता है, इकट्ठे होने, एंड सैलोज इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ बर्ड, तो उनकी जो ट्विटरिंग की जो आवाज़ आती है स्काई में, ये सब मिलकर तुम्हारे म्यूज़िक को क्रिएट करते हैं। तो ये था हमारा पोएम जॉन किट्स के थ्रू लिखा हुआ ओड टू ऑटम। आई होप आपको ये पोएम अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टडी टेबल। लेट अस मीट विद अ न्यू चैप्टर नेक्स्ट टाइम।